सुदर्शन विशेष में आज हम गुमशुदा बच्चों का दर्द समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें जो भूमिका पुलिस प्रशासन की है उस पर भी निगाह हमारी लगातार बनी हुई है। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इतने लंबे समय से ये समस्या हमारे देश में है लेकिन जस की तस है। उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आज शहरी जीवन की भागदौड़ और भीड़भाड़ वाले इलाकों में बच्चों का शिकार करने वाले गिरोह ज्यादा सक्रिय हैं। मौके की तलाश में घूमते ये गिरोह आसान शिकार देखकर अपना शिकार उठाते हैं। रेलवे स्टेशन, अस्पताल, भीड़भाड़ वाले बाजार के साथ वो सब जगहों पर अपनी नजरें जमाए रहते हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चों की सक्रियता ज्यादा होती है। इस पूरे मामले को देखा जाए तो बच्चों के गायब होने के पीछे मानव तस्करी एक बड़ी वजह है। इसके साथ ही कई ऐसे बच्चा चोर गिरोह भी सक्रिय हैं, जो बच्चों को उठाकर उनसे भीख मंगवाने का काम करते हैं। देश के करीब हर हिस्से में बच्चा उठाने वाले गिरोह सक्रिय हैं, जो किसी भी शहर से बच्चा उठाकर उन्हें बड़े शहरों में पहुंचा देते हैं। ये अपराध एक संगठित अपराध का भी रूप ले रहा है, जिसमें कैरियर के तौर पर बेरोजगार नौजवानों को चंद रुपयों के लिए इस अपराध में घसीटा जा रहा है, जो बहुत थोड़े से पैसे के लिए किसी भी माँ की गोद को सुना करने में देरी नहीं करते। उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि वो किसी माँ की ममता का गला घोंट रहे हैं। तो एक पूरा गिरोह काम कर रहा है हमारे देश में, या फिर यूं कहें कि विश्व भर में, जो थोड़े से चंद पैसों के लिए मां की ममता का गला घोटने के लिए तैयार है। आखिर क्यों चुप है पुलिस और प्रशासन, क्यों चुप है सरकार? हमारे साथ लगातार विश्वरूप बैनर्जी जी जुड़े हुए हैं, जो कि सेव द चिल्ड्रन नाम की ऑर्गेनाइजेशन के साथ लगातार काम कर रहे हैं, और साथ ही आलोक झा भी अब जुड़ गए हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी। आलोक जी, इससे पहले कि मैं विश्वरूप जी के पास जाऊं, आपसे जानना चाहूंगी, आप इस स्टोरी को कवर करते आए हैं, जरा बताएं किस तरह के एंगल से आप देखते हैं इसे। बच्चों का गायब होना सिर्फ यही बात नहीं है कि किसी घर ने अपने बच्चे को खोया, बल्कि मानव तस्करी का मामला है और साथ ही यौन उत्पीड़न भी होता होगा। जी बिल्कुल शुभ्रा, मैं आपको बता दूं कि जहां तक 80% केसेस हैं वो गरीब घर के बच्चे गायब हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसा उन वहां होता है जहां पे जिसके मम्मी और मदर और फादर जो है वो वर्किंग होते हैं, तो निश्चित तौर पर बच्चों को एक पर्याप्त समय मिल जाता है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो गरीब होते हैं तो इसलिए ज्यादातर समय उन्हें काम में गुजारना पड़ता है, अपने खाने पीने के प्रबंध को करने के लिए, तो एक बच्चों पे प्रॉपर गाइडेंस वो नहीं कर पाते हैं। निश्चित रूप से यही एक बड़ी वजह है। और मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस का एंगल है, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कानून से अवेयर नहीं है, जब वो रिपोर्ट करने जाते हैं, हमने देखा था अभी पिछले कुछ महीने में गुड़िया कांड हुआ था, उसमें पुलिस ने तब तक FIR नहीं लिखी थी जब तक कि मीडिया का प्रेशर उसके ऊपर नहीं बना, जब लोगों ने आवाज उठाई फिर जाके पुलिस ने FIR दर्ज की, और उसके बाद भी पुलिस जो है निष्क्रिय रही, और 3-4 दिन के बाद गुड़िया को ढूंढा गया था। तो यहां से देख सकते हैं आप कि हमारी पुलिस जो है, हमारा जो सरकारी महकमा है, वो कितना संवेदनशील है इस मामले में। बिल्कुल संवेदनशीलता की जब बात आपने की, विश्वरूप जी आपके पास आऊंगी, आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, आप देखते रहे होंगे जो रवैया है, जो जिक्र आलोक जी ने किया गुड़िया मामले में, ठीक वैसे ही मामले आपके सामने आते रहते होंगे। जरा जानना चाहूंगी आपसे, मानव तस्करी की बात जब सामने आती है, पुलिस को प्रशासन को ये पता है कि बड़ा गिरोह काम कर रहा है, फिर भी कहां पर चूक रह जाती है और क्यों चूक रह जाती है? देखिए, मानव तस्करी की जो बात है, ये एक पूरे चेन को अगर आप स्टडी करें तो ये एक कानूनी समस्या होने के अलावा एक सामाजिक समस्या भी है। सामाजिक यूं है क्योंकि ऐसे है कि जो बच्चे हैं उनके आसपास के जो क्लोज रिलेशंस में लोग हैं, वही आपके इन सारी प्रक्रिया में इन्वॉल्व है। और सबसे जो बड़ी बात है कि ये जो गिरोह की बात हम कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं कि एडहॉक किसी भी बच्चे को किडनैप कर लिया, या तो आपको किसी भी खेलते हुए बच्चे को उठा के लेके चला गया और भेज दिया। नजर बना के रखते हैं और ऐसे परिवारों को जानबूझ के टारगेट करते हैं जहाँ पे
माता पिता वो जानते हैं कि वो पुलिस के पास नहीं जा पाएंगे, उनमें वो आर्थिक रूप से असमर्थ हैं पुलिस के ये केस को फाइट करने के लिए या तो केस को आगे ले जाने के लिए। तो और ये जितने भी जो मेन आपके जो एजेंट्स हैं, जो मेन लोग हैं, वो तो शायद डिफरेंट जो शहरों में जहाँ पे पॉइंट्स जिस जगह से बच्चों की बिक्री होती है या खरीद फरोख होता है वहाँ पे रहते हैं, लेकिन ये जो सब एजेंट है, ये जो पूरी लंबा, ये पूरा एक लंबा जो चेन है, ये आप विश्वास नहीं करेंगे कि देश के हर कोने कोने पे, हर दूर दराज के गांवों तक फैला हुआ है। और सबसे जो चिंताजनक बात है वो ये है कि अभी तो कुछ कुछ राज्यों में ये केवल अभी चूंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, अभी कुछ कुछ राज्यों में पुलिस प्रशासन थोड़ी एक्टिव हो गई है इन बातों इनको लेके। चलिए तो लेकिन कहीं ना कहीं भूमिका पर जो सवाल है वो अभी तक बना हुआ है। आलोक जी, आप सरकार की भूमिका को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि विश्वनाथ जी ने हमें बताया, विश्वरूप जी ने बताया हमें कि ये जो मामला है ये केंद्र सरकार की निगरानी में भी है और राज्य सरकार की निगरानी में भी है, समवर्ती सूची में आता है ये। ऐसे में सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए वो नहीं है ये तो पता है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि इस मामले को सरकार भुला देती है हमेशा? जी बिल्कुल शुभ्रा, आप देखेंगी जब 14 नवंबर आता है, 14 दिसंबर बाल दिवस, तब बड़े बड़े भाषण देते हुए नेता नजर आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जो संसद चल रही है हमारी, जो लोकसभा चल रहा है, उसमें से अभी तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से मात्र दो प्रश्न बच्चों के पूछे गए हैं, और ये शून्यकाल के दौरान पूछा गया था अभी जो हाल में था, और बीजेपी के दो सांसदों ने उठाया था ये मामला, और इस पे सरकार का आंसर आया कि हाँ हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। इतना सेंसिटिव मामला है ये, और सरकार का आंसर आता है हाँ हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे समझ सकते हैं आप कि सरकार कितनी प्रॉपर तैयार है इस मुद्दे के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ के लोग हैं, जो जिनके बच्चे किडनैप होते हैं, जिनके बच्चे गायब होते हैं, वो उनकी मजबूरी ये रहती है, सबसे पहले तो वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनकी मजबूरी ये होती है कि वो ज्यादा एक स्तर तक, जब वो थानों के चक्कर लगा लगा के एक बार में वो हार मान लेते हैं और थक हार के बैठ जाते हैं। मैं आपको बता दूं, आज मैं गांधीनगर गया था पुलिस स्टेशन, वहां पे मेरी मुलाकात हुई है, और जब मैंने उनसे पूछा कि अच्छा यही जो बातें हैं ये आप कैमरे पे बोलिए, ऑन द रिकॉर्ड बोल दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम ये नहीं बोल सकते, हो सकता है मे भी कि कुछ प्रेशर हो उस पे। और हमने उन्हें इनवाइट भी किया था अपने प्रोग्राम में, आइए अपने दर्द को बताइए, और साथ ही हम कोशिश करेंगे कि आपका बच्चा अगर हमारे थ्रू मिलता है, ढूंढता है तो मिल जाता है, तो उन्होंने यहाँ भी आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें जो है इन चक्करों में नहीं पड़ना, तो समझ सकते हैं एक कितना बड़ा प्रेशर होता होगा। एक तो अपने जिगर के टुकड़े को वो खो देते हैं, बाद में थानों पुलिस के चक्कर काटते हैं। और गुड़िया के केस में जैसा कि आपने बात की आलोक जी, हमने देखा था कि FIR दर्ज कर ली गई, लेकिन उसके बाद भी पुलिस और प्रशासन ये पता नहीं लगा सका कि उसी घर के पास वो है, उसी घर के गैराज में, या यूं कहें कि वो लड़की बंद है, ये बात पता नहीं लगा सकी पुलिस। सबसे बड़ी नाकामी पुलिस के यहाँ पर सामने आती है। विश्वरूप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया कि वैसे फैमिलीज को टारगेट किया जाता है जो अनपढ़ हैं, जो सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, जो FIR जैसी चीजों में पढ़ नहीं सकते, यहाँ पर सवाल ये कि आपके सामने कई केसेस आते होंगे, आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जब लोग अपना बच्चा खोते हैं, वो अनपढ़ हो या पढ़े लिखे, दुख उन्हें बहुत होता है, अपने जिगर के टुकड़े को खोना कोई बहुत छोटी बात नहीं है। ऐसे में प्रयास तो वो जरूर करते होंगे, पुलिस के पास जाते जरूर होंगे, जो अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं, जरा आप हमें बताएं कि किस तरह से वो पुलिस के पास जाते हैं, प्रशासन से मदद मांगते हैं, जो रवैया होता है प्रशासन का जरा बताएं। देखिए, ये बहुत ही मतलब हर पुलिस स्टेशन में ऐसे कुछ कुछ पुलिस स्टेशन है जहाँ पे अगर थाने जहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो इस मुद्दों को लेके संवेदनशील हैं एवं चाहते हैं कि ये मुद्दा सॉल्व हो, लेकिन ज़्यादातर अगर पूरी ओवरऑल बात करें तो इसमें मैं सहमत हूँ आलोक जी से कि आम तौर पे बच्चों के मुद्दों को लेके पूरे देश में क्या पूरे हर स्तर में, समाज के हर स्तर में लोगों की जो रवैया है वो टालने वाली है, वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। दो, हम ये कहते हैं कि बच्चे हमारे भविष्य हैं, लेकिन उनके वर्तमान को
शायद कोई ध्यान नहीं रखता। जहाँ तक पुलिस की बात है, वो पुलिस में भी और जो ज़रूरी चीज़ है वो है उनकी ट्रेनिंग, उनकी क्षमता वर्धन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज कि बच्चों के केसेस को किस तरह से हैंडल करना या बच्चों के मुद्दों के बारे में, शायद बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो शायद ये जो तस्करी का मामला है, तस्करी का मुद्दा है और इसका जो एंगल है, शायद इनको इस एंगल के बारे में ही पता नहीं है कि ये होता भी है। और जहाँ तक बच्चों का मामला हो, बच्चों के केसेस को किस तरह से डील किया जाए और किस तरह से ट्रैकिंग किया जाए, जो आपके जो अभी पूरी प्रक्रिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल में है जो चल रही है, जैसे चाइल्ड लाइन है आपकी, फिर पुलिस, हर पुलिस में एक जुवेनाइल ऑफिसर है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर जो बच्चों के केसेस को ही डील करना चाहिए, जिनको वो जानते हैं, उनकी प्रॉपर इंक्वायरी किस तरह से करें, सिविल को जाके, जैसे जो इस तरह के परिवार हैं उनका कॉन्फिडेंस जीतना, उनके माता पिताओं का कॉन्फिडेंस जीतना, ये बहुत ही जरूरी है। ये सिर्फ इसी केस में नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही विश्वरूप जी, ये हर केस में ऐसा होता है, पुलिस और प्रशासन कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाती लोगों का, ये बहुत अहम है। हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो इस पर चर्चा करेंगे एक बार फिर से, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।